मेरा नाम भागवंती है और मैं छठी में पढ़ती हूँ और पाकिस्तान से आई हूँ। मैं ये घटना बताना चाहती हूँ जो हमारे साथ हुई वहाँ पर। वो जैसे मेरी एक दोस्त थी, उसकी शादी की हुई थी। जब वो दोनों उनके ससुराल में मिलने गए थे तो मिलके वापस जा रहे थे और उनको उठा के लेके चले गए। जब उसको नशे की गोलियाँ पिला पिला के फिर उससे उसको मार डाला और फिर मेरे मम्मी पापा हमको स्कूल नहीं जाने देते थे। फिर हम क्या करें, मेरी दोस्त थी और एक मैं थी, मेरे भैया, और वो हमको छोड़ने आते। जब लेट हो जाते थे फिर क्या करते, हम वहाँ पर बैठ जाते थे, फिर वो हमको लेने आते थे। तब से मैंने वैसे वैसे करके मैंने 5 किताबें पढ़ ली। मेरे पापा को मैंने बोला, पापा यहाँ से हम चले जाएँगे, यहाँ तो अच्छा नहीं है, हमारा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे यहाँ पर। तो मेरे पापा फिर हमको यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर भी मैं पढ़ती हूँ, छठी में पढ़ती हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है और इंडिया पर मुझे बहुत गर्व है। मैं अकेले स्कूल जाती हूँ और अकेले आती हूँ, और मेरा सपना है डांसर बनने का। मेरे तो वहाँ पर नहीं मुमकिन था कि मैं वहाँ सपना पूरा नहीं कर पाऊँगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ लड़कियों को मेरे पापा ने, वो जब मेरे दोस्त के साथ ऐसी घटना हुई फिर मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया। इसलिए वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी, वो नहीं जाती थी। वो बोलती मुझे ये बनना है। मैंने कहा अपना सपना कभी पूरा नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। और मुझे बहुत उम्मीद है यहाँ पर मेरा सपना पूरा हो जाएगा।